सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द पीसी वाले यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में और कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ऑफिस वर्कर्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ों के बारे में। तो गाइज देखो, एसिडिटी से तो आप फेमिलियर ही हैं। एसिडिटी कीज़ पर जो है वो आप गेम्स, सीडी कीज़ एंड विंडोज़ कीज़ वगैरह जो है वो परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यू एंड लेटेस्ट गेम्स में, तो आपको मैं बता दूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स जो है जो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। करंटली प्राइस जो है वो 61.57 USD यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ कोड्स दिए होंगे जिनको आप अप्लाई करके इस पर डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड क्योंकि आप जानते हैं कि स्टीम पर जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 जो है ये अवेलेबल नहीं है, तो आप एसिडी की से जो है वो उसे परचेस कर सकते हैं। ये आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। और मेरे दो तीन दोस्तों परचेस कर भी चुके हैं और रेटिंग और गेम प्ले देख के तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं भी परचेस कर लूँ। बट अगेन, मेरे पीसी में जो है वो स्टोरेज नहीं है जो भी मैं गेम इंस्टॉल करके उसमें खेलूँ वगैरह। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने खास उन लोगों के लिए सोची है जो कि है ऑफिस यूजर्स या फिर जो है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑफिस यूजर्स अगर आप हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, प्रेजेंटेशंस बनाते हो अपने बॉस के लिए, ऑफिस के लिए, या आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो ज़्यादा काम रहता है, या अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो आपको जो है वो स्कूल में प्रेजेंटेशंस वगैरह जमा करनी पड़ सकती हैं, क्या पता आप एक्सेल में काम करते हो। अगर आप एक टीचर हैं तो हो सकता है आपको एक्सेल में काम पड़ता हो, या फिर अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही अगर यूज़ करते हैं तो आपको जो है वो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली लेंगे तो आपको भी पता है वो कितना महंगा पड़ेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर ऑफिस 19 की जो है वो साइट पे पहुंच जाएंगे। यहां पर आप डायरेक्टली ऑफिस 19 बाय कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, पहले आपको अपनी नॉर्मल ईमेल आईडी वगैरह से जो आपने एसिडी की पे बनाई है उससे आप लॉग इन वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपकी नहीं है ईमेल आईडी वगैरह एसिडी की पे, आप नहीं रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली फेसबुक या गूगल से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चलेगा एक नए पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट स्लो है, तो जैसे ही आप प्रमोशन कोड पे अप्लाई करते हैं PC01, तो जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हैं PC01, जो कि अगेन कोड है हमारे चैनल के नाम पे पीसी वाले, सो PC01, और जैसे ही आप कोड करते हैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है वो आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, जैसे पेपैल, मॉल पॉइंट्स, नियोसॉफ्ट, पेपैल, मेंट और वीज़ा वगैरह। तो अगर आप वीज़ा या कार्ड से परचेज करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसमें जो है वो फ़ीस पड़ेगी आपकी। आप कोई भी और पेमेंट ऑप्शंस अगर लेना चाहते हैं तो अगेन आपकी फ़ीस पड़ेगी। तो मैं अगर आप लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप पेपैल से लें, या फिर अगर नहीं है पेपैल में अकाउंट तो पेपैल का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्टली यार उसमें लॉगिन वगैरह करके, अपना साइनअप वगैरह करके, ऐप वगैरह आप में मतलब सब कुछ करके पेपैल से पेमेंट कीजिए। और उसके बाद जो है वो आप डायरेक्टली पे नाउ पर क्लिक करके अपना जो है वो अकाउंट में जो है वो आपको जैसे ही आप बाय करोगे, और बाकी आपको प्रोसीजर तो पता ही है, आपकी कीज़ जो है वो आपको कैसे मिलेंगी मैं पीछे पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। और आप अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस से, देखिए मेरे पेपैल का लॉगिन के लिए आ चुका है, तो जैसे ही आप वो सब करोगे तो आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही डाउनलोड करोगे वो आपसे की मांगेगा, और जैसे ही आप उस की को उसमें पेस्ट करोगे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है आप एक तरीके से ऑफिशियली आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो चीप प्राइस के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर गाइज़।